प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार द्वारा गरीब व जरूरतमंद लोगों को राहत प्रदान करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। ऐसे लोगों की मदद के लिए सरकार ने कई योजनाएं चलाई हैं। इन्हीं में से एक है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। कोरोना महामारी जैसे मुश्किल दौर में शुरू की गई ये योजना गरीब व जरूरतमंद परिवारों के लिए हर माह खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित बना रही है। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में रेहड़ी फड़ी व सब्जी बेचने वाले लोगों को भी योजना के तहत मुफ्त राशन सुविधा का लाभ मिला है। इस योजना के तहत सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से 5-5 किलो अतिरिक्त चावल व गेहूं मुफ्त में उपलब्ध करवाया जा रहा है। हमको चावल लिए, आटा दिया, तेल दिया और जोतों के लिए घी दिया और किराया नहीं का तो मकान के लिए किराया भी दिया। ये बहुत ही अच्छी योजना थी क्योंकि उस वक्त लोग जो है गरीब लोग जो है भूखे मर रहे थे, जो बाहर के स्टेटों में यहाँ रह रहे थे, तो उनके लिए भी एक जो है ये बहुत वरदान सिद्ध हुआ और उनको नया जीवन मिला क्योंकि उन दिनों ना कोई रोजगार था ना कुछ था, तो इस अनुदान अन्न योजना से जो है उनको बहुत ही फायदा हुआ। जो प्रधानमंत्री ने कोरोना काल में योजना चलाई थी गरीब कल्याण योजना, उससे हमें प्रवासियों को बहुत ही अच्छा लाभ मिला। कुल मिलाकर केंद्र सरकार की ये योजना मुश्किल समय में लोगों के लिए सहारा बनी है। इस योजना के लाभार्थियों ने योजना के लिए केंद्र सरकार का आभार जताया है। डीडी न्यूज के लिए हमीरपुर से जसवीर कुमार की रिपोर्ट।